आदाब सत श्री अकाल दोस्तों, मैं आपका दोस्त अनुराग और ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे तीन पॉइंट्स बोलना चाहूंगा। पहला पॉइंट, अगर आपको ये नहीं पता कि आप अपनी कैलोरिक नीड्स कैसे कैलकुलेट करें तो ये वीडियो चेक कीजिए। दूसरा, हो सकता है जो मेरा व्हाइट बोर्ड है ये काफी लोगों को क्लियर नजर ना आए, तो इसकी जो इमेज है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मैंने लिंक दिया हुआ, आप डाउनलोड कर लीजिए। और तीसरा, अगर आपका चेस्ट डे वर्कआउट है तो ये टी शर्ट देखिए, शायद आपको पसंद आए। अगर आपको पसंद आती है इसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा। ये 2500 कैलोरी का मील प्लान है दोस्तों, और इस वीडियो से आप ये सीखेंगे कि कोई भी आइटम आप खाते हैं उसकी न्यूट्रिशनल प्रोफाइल देखना कितनी इंपॉर्टेंट है और वो आपको आपके गोल को रीच करने में कैसे हेल्प कर सकती है। जैसे देखते हैं, ये दिन का पहला मील, पहले मील में क्या है, 350 ml दूध है, 60 ग्राम ओट्स हैं, 10 आलमंड्स। अब 350 ग्राम दूध हम देखें, इसमें 11 ग्राम प्रोटीन है, 16 ग्राम कार्ब्स हैं और 11 ग्राम फैट्स हैं, टोटल 207 कैलोरी। सिमिलरली अगर आप ओट्स को देखें, ओट्स में 8 ग्राम प्रोटीन है, 40 ग्राम कार्ब्स हैं और 4 ग्राम फैट्स हैं। और जो हमारे बादाम है, 10 आलमंड्स हमने पहले मील में लिए, उसमें 3 ग्राम प्रोटीन, 3 ग्राम कार्ब्स और 6 ग्राम फैट्स हैं। तो कुल मिला के हमारा जो पहला मील हुआ वो 515 कैलोरीज का हुआ, जिसमें हमने 22 ग्राम प्रोटीन, 59 ग्राम कार्ब्स और 21 ग्राम फैट्स लिए, जो कि एक बहुत ही हेल्दी प्रोफाइल, मतलब दिन एक बहुत बढ़िया तरीके से शुरू हुआ। ये नॉर्मली मेरा प्री वर्कआउट मील होता है। उसके बाद जो आपका पोस्ट वर्कआउट मील है वो एक हाई प्रोटीन मील होना चाहिए, जिसमें कार्ब्स भी अच्छे होने चाहिए। तो दोस्तों आप ये ट्राई कर सकते हैं। ये जो हमारा मील नंबर टू है, इसमें उसमें क्या है, 3 होल एग्स हैं और 3 एग वाइट्स हैं, जिसमें जो प्रोटीन है वो 27 ग्राम और जो कार्ब्स और फैट्स आप देख सकते हैं, कार्ब्स 1.5 ग्राम और जो फैट्स हैं वो 15 ग्राम के आसपास हैं। तो वैसे ही हमारे जो ब्रेड स्लाइसेस हैं, आप उनकी न्यूट्रिशन प्रोफाइल भी चेक कीजिए। ये ऑलमोस्ट 11 ग्राम प्रोटीन देते हैं, 65 ग्राम कार्ब्स हैं और 3 ग्राम फैट्स हैं। तो ऑल इन ऑल अगर हम सेकेंड मील को देखें दोस्तों, तो ये हमें 38 ग्राम प्रोटीन, 66.5 ग्राम कार्ब्स और 18 ग्राम फैट्स देती है, तो टोटल 618 कैलोरीज का हमारा दूसरा मील हुआ। उसके बाद अब लंच कैसे करें हम, अब लंच देखोगे तो एक सिंपल है, 150 ग्राम कुक चिकन ब्रेस्ट है, साथ में 1 कप राइस है, सिंपल चिकन एंड राइस मील, बनाना बहुत ही आसान। और न्यूट्रिशन देखिए दोस्तों इसका, इसमें 45 ग्राम प्रोटीन है जो आपका चिकन ब्रेस्ट है और 5 ग्राम फैट है। और हम राइस की बात करें तो राइस अब बेसिकली कार्ब सोर्स है, तो 58 ग्राम में कार्ब्स है और 4 ग्राम में प्रोटीन है। तो ऑल इन ऑल जो हमारा थर्ड मील है, थर्ड मील में कुल मिला के 519 कैलोरी है और 49 ग्राम प्रोटीन और 58 ग्राम कार्ब्स और 5 ग्राम फैट है, जो कि एक लो प्रोटीन हाई कार्ब और हाई प्रोटीन मील का क्लासिक एग्जांपल है। उसके बाद जब 4 बजते हैं, 5 बजते हैं और हम स्नैक करते हैं, नॉर्मली 4 समोसे या इस टाइप की कोई चीज़ हम नॉर्मली कंज्यूम करते हैं, वो एम्प्टी कैलोरी है दोस्तों, उनका खाने का कोई भी फायदा नहीं। अब ये ट्राई कीजिए, मूंग दाल के जो स्प्राउट्स हैं वो ऑलमोस्ट इंडिया के हर घर में मिलते हैं, हर घर में बनाए जाते हैं, ये एक सुपर फूड है। इसके आप न्यूट्रिशन प्रोफाइल देखेंगे, हम प्रोटीन कार्ब्स और फैट्स की बात करें तो 24 ग्राम प्रोटीन है 100 ग्राम मूंग दाल के स्प्राउट्स में, लेकिन ये 100 ग्राम कुक मूंग दाल नहीं है, मतलब कि आपने 100 ग्राम मूंग दाल पहले ली उसके स्प्राउट्स में है, उसमें इतना प्रोटीन है, और कार्ब्स 47 ग्राम है और 1.2 ग्राम उसमें फैट्स है। तो एक खास बात बोलना चाहूंगा स्प्राउट्स के बारे में, स्प्राउट्स का मैक्रोन्यूट्रिएंट प्रोफाइल, मतलब प्रोटीन कार्ब्स फैट्स, ये तो अच्छा है ही है, लेकिन इसमें फाइबर बहुत सारा होता है जो कि आपके पेट के लिए, आपके डाइजेशन के लिए एक बहुत ही कमाल की चीज है। तो ओवरऑल अगर हम देखें इसमें टोटल कैलोरीज होगी 347 और साथ में हमने क्या किया, कुछ हेल्दी फैट्स ऐड किए, फ्लैक्स सीड्स के उसमें फॉर्म में, अब उसमें भी थोड़ा बहुत प्रोटीन है 4.5 ग्राम और थोड़े से कार्ब्स हैं, जो कार्ब्स हैं इसमें फाइबर भी अच्छा रहता है जो फ्लैक्स सीड्स के कार्ब्स हैं, तो 7.25 ग्राम के आसपास कार्ब्स हैं और 10-10.5 ग्राम के आसपास फैट्स है। तो ये क्लासिक एग्जांपल है जैसे आप बहुत ही आराम से एक हेल्दी स्नैक अपने दिन में कभी भी ले सकते हैं। और ये दोस्तों ये स्नैक ऑलमोस्ट 480 कैलोरीज के आसपास है और ये आपको अच्छा फुल रखेगा और आपके बॉडी को अच्छा न्यूट्रिशन भी देगा। नॉर्मली जो लोग अकेले रहते हैं उनको मैं टिप देना चाहता हूँ कि जो आपका लंच का सोर्स था या जो आपका लंच था, आपका डिनर भी बिल्कुल वैसा ही हो सकता है, एक बारी बनाओ और दो बारी खा सकते हो। तो अब लास्ट मील ऑफ डे में क्या है, आपका जो लंच था उसमें 150 ग्राम चिकन ब्रेस्ट था, अब लास्ट में 100 ग्राम के आसपास कीजिए, एक पालक की सब्जी होगी और एक रोटी होगी। तो कुल मिला के दोस्तों ये जो हमारा मील टाइप था
इसने हमें 318 कैलोरीज दी और 36 ग्राम के आसपास प्रोटीन, 23 ग्राम के आसपास कार्बोहाइड्रेट और 8.5 ग्राम का फैट है। तो ये ओवरऑल जो है दोस्तों मील प्लान 2500 कैलोरीज का है। इसमें जो प्रोटीन है वो ऑलमोस्ट 174 ग्राम के आसपास प्रोटीन है, 261 ग्राम के आसपास में कार्बोहाइड्रेट्स है और जो फैट्स हैं वो 64.2 ग्राम है। तो मैं कहना ये चाहता हूँ, देखिए इसमें कोई प्रोटीन सप्लीमेंट नहीं है, कुछ और चीज नहीं है, सारा होल फूड बेस्ड डाइट है। तो ये बहुत ही न्यूट्रिशियस है और बहुत ही आसान है बनाना। तो नेक्स्ट टाइम दोस्तों आप किसी भी फूड आइटम्स को देखते हैं, ऐसा ना देखिए कि खट्टा है, मीठा है, ये टेस्ट अच्छा करता है कि बुरा करता है, उसको देखिए कि उसकी मैक्रो न्यूट्रिएंट प्रोफाइल क्या है, उसमें प्रोटीन, फैट्स, कार्ब्स ये सब कितने हैं। जब आप इस तरीके से अपने फूड आइटम्स को देखना शुरू करेंगे तो आप एक बेटर डिसीजन ले सकते हैं, इन्फॉर्म डिसीजन ले सकते हैं कि क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। और इससे क्या होगा, इससे ऑल द टाइम आपकी अच्छी फूड हैबिट्स इंकल्केट होंगी आप और आप ज्यादा सेहतमंद बनेंगे और आपके जो भी डाइट गोल्स होंगे, फिजिक गोल्स होंगे, जैसे अगर कोई वेट बढ़ाना चाहता है, कोई वेट कम करना चाहता है, मस्कुलर बनना चाहता है, उनकी जो बेसिस है दोस्तों वो यही कैलोरी, आपके मील्स, आपके मील प्लान, बाकी कोई शॉर्टकट्स नहीं। तो आई होप कि ये जो एक सैम्पल मील प्लान है इससे आपको थोड़ा आइडिया लगेगा कि आप अपना मील प्लान कैसे कंस्ट्रक्ट करें। अब जो इस वीडियो सीरीज के नेक्स्ट पार्ट है उसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि आपको वेट कम करना है तो उसका मील प्लान कैसे बनाए, वेट ज्यादा करना है तो उसका मील प्लान कैसे बनाया जाए। तो तब तक के लिए आपसे विदा लेता हूँ, तब तक के लिए खुश रहिए, हेल्दी रहिए, बाय।